भी नजर आ रही है सर, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए मेरी बहन, ये जो ट्वीट है ये हमारे समझदारी नेता, यशस्वी नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या का कमाल है जी। ये हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हरिजन, बैकवर्ड की जीत है। कांग्रेस के लोग और ये सारी पार्टियां पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी को गाली देने के सिवाय इनका कोई एजेंडा नहीं था, इनके पास कोई झंडा नहीं था, इनके पास कोई एजेंडा नहीं था। एक प्रदीप सिंह लेखक लिखते हैं जिद गैंग इनको, चाहे वो शाहीन बाग में दिलकिश दादी है, चाहे वो कुंडली बॉर्डर है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर है, ये सब देश में अव्यवस्था फैलाने वाले लोग। कोरोना काल हो तो नरेंद्र मोदी को गाली, वैक्सीन बना ली तो गाली, नहीं बनाई थी तो गाली, 180 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाया, ये भारत के कमाल है। इसलिए इनका एजेंडा अब हिंदुस्तान में चलेगा नहीं, ये अब इनको अपनी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए जी। हमारे भाईजान हैदराबाद से आ गए, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां देने लगे और वहा 403 में से शायद कोई सीट उनकी, हम तो अब जुलूस में लग रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की जीत है सर, ये भारतीय संस्कारों की जीत है जी। सर अभी सच कहिएगा, क्या क्या कल्पना की थी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करेंगे? मैंने, मेरे को पार्टी ने आगरा जिले में भेजा था जी। 1 फरवरी को फतेहपुर सीकरी बाबूलाल चौधरी का हमारा उम्मीदवार था, तो उनके दोहरा गांव में, किथम गांव में मैंने कहा था पत्रकार मित्रों को कि 272 सीट बीजेपी की आएंगी। ये 1 फरवरी की बात है, 10 फरवरी को पहला पोलिंग था और अभी हम जुलूस निकाल रहे थे तो बाबूलाल चौधरी का फोन आया कि बाबा आपकी कृपा से मैं 26,000 वोटों से जीत गया। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड की अगर बात करें, जाहिर सी बात है कि देवभूमि की जनता को परिवर्तन बहुत पसंद है सर, हर बार एक पार्टी को, एक राजनीतिक दल को मौका दिया जाता है, इस बार ऐसा क्या जादू किया उत्तराखंड पर जो कि बीजेपी को एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में लाती हुई नजर आ रही है देवभूमि की जनता? किसको श्रेय देंगे उत्तराखंड में, बताइए उत्तराखंड में किसको श्रेय देंगे जीत का? अरे बाबा केदारनाथ, वहां सारे बोले शंकर की आराधना हमारा नरेंद्र भाई मोदी ने, केदारनाथ मंदिर का, काशी कॉरिडोर का, नरेंद्र भाई मोदी हमारे नेता भी हैं परंतु ये संत परंपरा के भी हैं, ये सारा जो श्रेय है ये हिंदुस्तान की जनता को, नरेंद्र भाई मोदी के चमत्कारी नेतृत्व को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तपस्या को ये सारा श्रेय जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो शानदार तरीके से यहाँ पर 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी है वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के रुझान आप देख रहे हैं किस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, बहुमत का आंकड़ा भी पार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। तो वही